नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पे। डायसर उपस्थित खुराना जी, मयूर सर, इतर मान्यवर यांना मी अभिवादन करतो। तसेच उपस्थित रोटरी क्लब मिट्टाऊनचे सगळे माझे बंधू, आलेले सर्व मित्र परिवार आणि सर्व एन्स यांचं मी अभिवादन करतो। नेहमीप्रमाणेच न काही विचार करता कि प्रैक्टिस करता मी बोलण्याचा प्रयत्न करतो, जे पण मनात आलं ते। तर ॲक्च्युली रोटरीत आलो होतो क्रिकेट खेळण्यासाठी। रिअल फॅक्ट, बॉक्स क्रिकेटचा हे बघून प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश चित्ते सरांनी मला रोटरीमध्ये इंट्रोड्यूस केलं। नंतर रोटरीची थीम आवडली, त्या जेव्हा रोटरीमध्ये बघायला लागलो, काम करायला लागलो, तर रोटरीची थीम आवडली की लोकांसाठी आपण काहीतरी करू शकतो आणि इतक्या मोठ्या गोष्टी करू शकतो एक दुसऱ्याच्या साथ घेऊन, आणि सोबत फॅमिली लाईफ आपण आपल्या इतक्या चांगल्या मित्रांसोबत एन्जॉय करू शकतो। त्याच्यामध्ये मी रोटरीमध्ये इन्वॉल्व्ह होत गेलो। नंतर सेक्रेटरी पद मिळालं एकच वर्षामध्ये। किशोर सुरेजी सरांसोबत मी भरपूर शिकलो। नंतर तिसऱ्या वर्षी जबरदस्ती प्रेसिडेंटशिपच्या मागे मला गंदगी होतं, त्यामध्ये कुलकर्णी सर अफवा आले। कुलकर्णी सर सेक्रेटरीच प्रेसिडेंट बनण्यासाठी झाले होते। रिअल फॅक्ट आहे की त्यांचा उत्साह तेव्हापासून होता। आणि ॲक्च्युली जेव्हा सरांना मी सेक्रेटरी क्लब सेक्रेटरी सर पदासाठी आम्ही फायनल केलं, जे मी फायनल केलं की बाबा तुम्ही सोबत काम करा, त्याच्या अगोदर आमचं एका दुसऱ्याशी कधीही बोलणं झालेलं नव्हतं, कारण की त्याच वर्षी इंट्रोड्यूस झाले होते। पण मी माझा स्वभाव आहे, चॅलेंजेस ॲक्सेप्ट करायचं, त्या दोन गोष्टी मी विचार करून घेतल्या। भरपूर मला म्हणजे फायनल करायला त्यांना ॲज अ सेक्रेटरी पण म्हणजे अनोळखी व्यक्ती, आणि माझे मी थोडंसं वयाच्या हिशोबाने कधी कमी असं बोललो होतो, ते पण मला भीती वाटत होती की बाबा कसं आपण त्यांच्याशी संभाषण करायचं। तर पण पहिली गोष्ट होती की कोणी कसंही असो, कोणाच्याही स्वभावाशी मी मॅच करून घेण्याचा प्रयत्न करेल। दुसरी गोष्ट मला एकट्यालाच करायचं आहे, करून घेऊ, दोघी गोष्टी होत्या। म्हणून पण त्यांनी मला खूप साथ दिली, आमचं वर्ष खूप छान गेलं, एकदा पण आमचे काही कोणत्याच विषयावर प्रॉब्लेम झाले नाही। नंतर जसं क्लबमध्ये ह्या वर्षी सुरुवात झाली, तर मागच्या वर्षीचा आणि काही वर्षाचा अनुभव होता की अटेंडन्स, प्रेसिडेंट इथं बसल्यावर स्पीकर आल्यावर त्याला अटेंडन्स दिसत नाही तर त्याला खूपच त्रास होतो, हे रिअल फॅक्ट आहे। तर अटेंडन्ससाठी मी सगळ्यांना प्रेमाने कॉल करणं, सगळ्यांना त्यांना रिस्पेक्ट देणं, आणि सगळ्यांना जे येत नाही त्यांनाच कॉल करायचा, जे येणार ते येणारच आहे पण जे येत नाही त्यांनाच कॉल करायचा। तर ह्यावर्षी ॲक्च्युली खूप अटेंडन्स वाढला। आणि सर कुराणाजी, हे साल खराब बात भी अच्छी बात भी की 4-5 मीटिंग में हमारा खाना खत्म हुआ कि हमको प्लेट कम पड़ने लगे, तो अपेक्षा से भी ज़्यादा अटेंडेंस हमारा बढ़ा ये साल, तो वो है। दूसरा, ये जो प्रेसिडेंटशिप की चेयर है, ये जैसे ही मिलती है ना थोड़ा ईगो भी आ जाता है कि मैं हूँ, तो वो नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने वो ट्राई किया कि भाई सबके साथ में जुड़ के काम करना है और अच्छा काम करना है। फिर रही बात प्रोजेक्ट्स की, तो सबसे पहले ईमानदारी और ओरिजिनल प्रोजेक्ट जो सच में किसी को यूज में आए, तो प्रोजेक्ट करना, सिर्फ प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन करना और फोटो निकाल के अपने को प्रोजेक्ट कर लिया ये करना, ये मेरे पहले से ही मेरे दिमाग में नहीं था और मैंने ठान ही लिया था कि अपने को ऐसा करना नहीं है। तो सच में जिसको जरूरत है वैसे प्रोजेक्ट करना, खुद से शुरुआत की, लोगों से जितने भी प्यार से पैसे मांगे, इस साल मुझे बहुत पैसे मिले, उल्टा 5-7 लोग तो छूट के वो देने को तैयार थे, मैं दे नहीं पाया। 7-7.5 लाख रुपए के प्रोजेक्ट ये साल हुए। लास्ट का प्रोजेक्ट हमारा था स्कूल को बेंच देने का, तो हम 15-20 बेंच, कम से कम 30,000 का प्रोजेक्ट है जो हम रानी स्कूल में किए, सर ने आज उसका उद्घाटन किया। तो वो स्कूल में बेंच इसलिए देना था कि मैं वो बच्चों की कंडीशन देख के आया था कि वो नीचे बैठे चटाई पे और पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी जरूरत है तो उनको अपने देना चाहिए। तो जो जरूरत के प्रोजेक्ट है, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मेरा रहा गढ़रा में, जो स्कूल में किशोर पाटिल सर ने हमको कंप्यूटर दिलाया, वो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था।
कैटरैक हमने 21 किए, वो लोगों के जो अपने को थैंक्स बोलते हैं तो समझ में आता है कि अपने देने की क्या कीमत है। वो अच्छा था पोस्टिंग चेकअप, बाद में दिवाली को एचओई दोस्त बच्चों को कपड़े, ये सब जो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हमारे हुए, 7.5 लाख रुपये के प्रोजेक्ट हुए ये साल। एक्चुअली जब ये प्रोजेक्ट वगैरह अपन करते हैं तो एक बात और मुझे सताती थी कि किसी को देते टाइम अपन उस पर उपकार करें ये भावना अपने मन में नहीं आनी चाहिए। तो वो भावना भी नहीं आए तो उस वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। बाद बाद में ऐसा हुआ, आधा साल बीतने के बाद में तो किसी को कुछ चीज दे रहे और अपन फोटो निकाल रहे ना, उसमें मुझसे कुछ शर्म आने लगी कि भाई अपने को नहीं फोटो निकालनी चाहिए। तो ये भी होता है, ये अपन जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब ये होता है। तो बाद में मैंने फोटो भी निकालना कम कर दिया थी अपने को कि डोनेशन के गिफ्ट के फोटो नहीं निकालना है। तो ये मेरी खुद की जो साल भर की बातें हैं वो बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ अच्छी हो कुछ बुरी हो। दूसरा, स्पॉन्सरशिप के लिए कभी किसी को मांगना नहीं पड़ा, खुद सब मिट्टों के लोग इतने अच्छे हैं कि खुद बोलते हैं कि मेरे तरफ से प्रोजेक्ट करना है अपने को। तो सब मिट्टों के लोगों को मेंबर्स को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ, सबने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी मेरे एसेट के हिसाब से। एज अ प्रेसिडेंट मुझे सबने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। 6-7-8 लोगों ने इस साल खुद के बर्थडे पे पार्टियाँ दी, उसके कारण अपने क्लब की बॉन्डिंग बहुत बढ़ी, सबसे अच्छी बॉन्डिंग ये साल बढ़ी। डांस कॉम्पिटिशन अपन ने लिए, अपने सिंगिंग कॉम्पिटिशन लिए, कोजागिरी नाइट सेलिब्रेट किया, एंड्स के लिए अपन ने प्लेटफॉर्म रखा बात करने के लिए। तो ऐसे बहुत सी चीज़ों से अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छी से बढ़ी क्लब में। इस साल अपने क्लब का नाम और एक कारण से बहुत ऊंचा गया डिस्ट्रिक्ट में, वो दिलीप गांधी सर ने जो इनक्लूड के साथ में मिलकर 9-10 क्लब के साथ में मिलकर जो मिनी कॉन्फ्रेंस लिया था, उसके कारण अपना डिस्ट्रिक्ट में बहुत नाम हुआ और अपने मिट्टों को बहुत अच्छी पहचान मिली। उसका असर ऐसा हुआ कि इस साल का मिट्टों के काम और दिलीप भाई की मेहनत की अपने को नेक्स्ट ईयर के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट भी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेमिनार का भी ऑफर हुआ कि आप लोग हमारे साथ काम करो और आपको हमें प्रोजेक्ट देते हैं। तो ये बहुत जनरली ये होता नहीं है, तो उसके लिए सबको थैंक। जिन्होंने प्रोजेक्ट में डोनेशन दिया या जो देते हैं, या मैं भी जो जब करता हूँ तो देने की खुशी में बहुत अलग होती है, वो खुशी का एहसास करना। ये जब ऐसे मंच पे अपन आते हैं और हम अपन किसी के लिए काम करते हैं तो वो काम किया हुआ किसी को देने की खुशी ना, वो अलग अनुभव है। वो पाना भी एक मेरा मकसद था जो मैं प्रेसिडेंटशिप में इतने सब काम किए। सबसे मैं सेटिस्फाइड हूँ प्रेसिडेंटशिप से और आगे की टीम के लिए बहुत अच्छा माहौल करके दे रहा हूँ। ये साल 12 नए मेंबर्स हमने ज्वाइन किए, उसमें से सब मेंबर्स अगले साल कंटिन्यू करने वाले हैं। बाद में 1,45,000 रुपए कैश इन हैंड आज के तारीख में क्लब में लास्ट ईयर अभी बची है और 2-3 मेंबर्स की फी आनी है, अगर वो आ जाती है तो 1,90,000 में ये क्लब के लिए इस साल छोड़ के जा रहा हूँ, जो कि अच्छा ये है। बहुत सारी बातें सीखी मैंने क्लब में से, बहुत लोगों से, अलग अलग लोगों से, मेरे साथ बहुत सीनियर है, बिजनेस में भी सीनियर है, बात करने का तरीका, बाद में टाइम मैनेजमेंट, सबसे मेन कि लोगों से पैसे निकालना कैसे, ये भी सीखा मैंने। तो पहले मेरे को अच्छा नहीं लगता था, बाद में ऐसा लगता था अपने लिए क्या मांग रहे हैं, मांगो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर ने सब बातें बताई है, बाकी ज़्यादा तो मैं कर बोल नहीं सकता हूँ। एंजॉयमेंट बहुत किया मैंने, खुद ने बहुत एंजॉय किया, कुछ भी मुझे काम का बर्डन नहीं था। और सबसे मैं मिट्टों में प्रेसिडेंट को बर्डन आ ही नहीं सकता, मेंबर इतने अच्छे हैं, आप कुछ भी करो, किसी को कोई टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ अच्छा करो, इनका उनका कहना है, कोई आपको टोकेगा नहीं। जो मैं बहुत सुनता था जब प्रेसिडेंट होती थी तो पास्ट प्रेसिडेंट ऐसा करते हैं वैसा बोलते ये वो, हमारे इसमें 0.5% भी पॉलिटिक्स नहीं है, ना वो ग्रुप है ना कुछ है, तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, सब एक फैमिली है। तो सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने ये साल के सब मेंबर्स ने मुझे सपोर्ट किया, आप सबने मुझे हेल्प किया और अपना साल इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे साथ दिया, सबको थैंक यू धन्यवाद। रोटरी कमान थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। खरंच कोणालाही न दुखवता सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्याचं कौशल्य मनोजमध्ये आहे आणि त्याचा परिणाम आपण पाहिलाय की पूर्ण वर्ष हे अतिशय यशस्वीरित्या
पडले धन्यवाद एक नम्र विनंती 2311 नंबरची एक गाडी रस्त्यात आहे नमस्कार मैं हूं अली अब्बास तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पर।